तूने उसको रोकने की कोशिश की ना मुझसे मिलने के लिए, जो बात मैंने बोली ना उसे मैं सच करके दिखाऊंगा। आज तुम बहुत खूबसूरत लग रही हो, दिल करता है मैं तुम्हें किस कर लूं। कोई देख लेगा तो? अगर दो प्यार करने वाले इस तरह शर्माने लगे तो बस, अरे मान जाओ, आओ ना। अच्छा चलो मैं निकलती हूँ, कल मिलूंगी। ठीक है? ठीक है, पक्का मिलोगी ना। माय बाय स्वीटहार्ट, बाय बाय। जा रही है? बाथरूम जा रही हूँ पापा। कहाँ से आ रही हो? ऑफिस से आ रही हूँ। आप ऐसे सवाल क्यों पूछ रहे हो? जब बच्चे झूठ बोलने लगते हैं तो ऐसे सवाल करने पड़ते हैं। झूठ क्या है पापा, मैं तो हर रोज ऑफिस जाती हूँ, ये तो आप भी जानते हो ना। लेकिन ऑफिस के बाद गार्डन में? खानदान की इज्जत उछाल रही हो। मैं ये नहीं जानता वो कौन था। मयंक था पापा, मैं उससे प्यार करती हूँ और शादी भी करना चाहती हूँ। उस लौंडे के बहकावे में आके तुम मुझसे बहस कर रही है, अपने पिता से? जब बड़े छोटे की कदर नहीं करते ना तो उन्हें एहसास दिलाना पड़ता है कि आप छोटे छोटे नहीं रहे, बड़े हो गए, अपना भला बुरा खुद सोच सकते हैं। भला बुरा समझती हो तो तुम ना ऐसी हरकत नहीं करती। ये प्यार व्यार का खेल इस घर में नहीं चलेगा, समझी? आज के बाद उस लड़के से तुम्हारा मिलना बंद। कहाँ जा रही हो? ऑफिस जा रही हूँ पापा। ठीक है, ऑफिस जाना, ऑफिस बंद हो जाएगा तो तुम सीधा घर लौट के आना। अगर रास्ते में तुमने किसी और से मिलने की कोशिश की तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा, समझी? जी पापा। घोड़ी और औरत में लगाम न लगाई जाए तो वो बिगड़ जाती है। हाय जानेमन। अरे तुम? शाम को जल्दी आ जाना, मुझे तुम्हारे साथ टाइम स्पेंड करना है। लेकिन क्यों? क्यों मतलब? कल पापा ने हम दोनों को साथ में देख लिया था। फिर क्या? उपदेश का पिटारा गाल पे दे दनादन मारते गए और बोला कल से मिलना जुलना बंद, ठीक है ना? तो हम क्या गलत कर रहे हैं? सुनो, मैं आज शाम को तुम्हारे घर आता हूँ, तुम्हारे पिताजी से बात करता हूँ। नहीं नहीं ऐसा मत करना, ये कुछ दूसरे किस्म के हैं, बात करने की जगह पे बिगड़ जाएगी। चलो चलती हूँ, ऑफिस के लिए लेट हो रही हूँ, शाम को मिलते हैं। ओके जी, मैं मयंक। तुम यहाँ क्यों आए? क्योंकि तुमने रूपा को मुझसे मिलने पर रोक लगाई है और मैं उससे प्यार करता हूँ, मुझे उससे मिलने से कोई नहीं रोक सकता। अब अपने परिवार को मैं कैसे चलाऊंगा तो मुझे बताएगा? तेरी हिम्मत कैसे हुई उससे मिलने की और बात करने की? अगर आइंदा दोबारा तू कभी रूपा से मिला तेरी जुबान कटवा के फेंक दूंगा। इस उम्र में तुम्हारे अंदर इतनी गर्मी है तो मेरे अंदर कितनी गर्मी होगी, यह अंदाजा है तुम्हें?
रूपा मेरी जान है, और उसको तू तो क्या, दुनिया की कोई भी ताकत मुझसे अलग नहीं कर सकती। और एक बात कान खोलकर सुन ले, अगर तूने उसको रोकने की कोशिश की ना मुझसे मिलने के लिए, जो बात मैंने बोली ना उसे मैं सच करके दिखाऊंगा, समझ आया? भाई कैसे हो? और किशोर भाई, बड़े दिनों बाद। हाँ आओ बैठो, और सब खैरियत? सब कुछ ठीक ठाक है भाई, सोचता हूँ कि रूपा की शादी कर दूँ। बहुत अच्छी बात है, लड़की हमेशा पराया धन होती है, उसके जितनी जल्दी हाथ पीले कर दिया है उतना अच्छा है। हाँ यही सोच रहा था तब से। आपने एक लड़के की बात की थी, उसकी शादी हो गई क्या? हाँ वो लड़का बहुत अच्छा था, और उसको रूपा भी पसंद थी, पता नहीं तुमने क्यों मना कर दिया। हाँ करो ना फिर, रूपा के हाथ पीले करके मैं गंगा नहाना चाहता हूँ बस। चलो ठीक है, मैं लड़के से बात करके बताता हूँ। और हालचाल बताओ, कैसे हो? विजय कहाँ है? बस उसकी पढ़ाई खत्म होने वाली है, कहीं नौकरी लग जाए तो मेरी जिम्मेदारी पूरी खत्म हो जाएगी। बस कहने की बातें हैं, जिम्मेदारी खत्म नहीं होती। बच्चों की जिम्मेदारी खत्म होती है तो नाती पोतियों की जिम्मेदारी सर पर आ जाती है। फिर अच्छा, आप बात करके मुझे बता दीजिएगा जल्दी। मैं बताता हूँ, वैसे बात पक्की ही समझो। तो ठीक है मैं चलता हूँ, बताओ मुझे जैसा भी होता ठीक है। ठीक है चलता हूँ। अरे रूपा आ गई। जी पापा। तेरे लिए ना एक खुशखबरी है। मेरे लिए? मैंने ना तेरी शादी एक जगह पक्की कर दी है। क्या मेरी शादी? इतना चौंक क्यों रही हो? हर लड़का लड़की की शादी होती है, इसमें इतना हैरान होने वाली कौन सी बात है? लेकिन पापा मैं मयंक से प्यार करती हूँ, और मैं किसी और से शादी नहीं कर सकती। मैंने तुम्हें कहा था ना तुम उससे दूर रहना, नाम अगर उसका तुम जुबा पिलाई तो उसको पापा? मैं क्या खराबी है उसमें? वो मुझे पसंद नहीं है। लेकिन जिंदगी आपको नहीं बितानी, मुझे बितानी है। पसंद या ना पसंद ये मेरा डिसीजन होगा, समझे ना? मतलब तू मेरी बात नहीं मानेगी? बिल्कुल नहीं। आप अगर जबरदस्ती करोगे तो मैं जहर खा लूंगी, पर मयंक को छोड़कर मैं किसी और से शादी कभी नहीं करूंगी। अरे बेटा मैं तो तुझे आजमा रहा था कि तुम दोनों का कितना गहरा प्यार है। मैंने कल मयंक को बुलाया था और तुम दोनों का रिश्ता पक्का कर दिया है। सच में पापा? हाँ सच। मैं कल उसे बुला लूं? बुला लो उसे। थैंक यू पापा। मेरी बेटी। आप अगर जबरदस्ती करोगे तो मैं जहर खा लूंगी। हेलो। जी पापा बोलिए, क्या बात है? सब ठीक है ना? कल सुबह तक तू है ना घर पर वापस आ जा, रूपा की ना शादी करनी है। जी पापा। और कुछ? और सुन। जी पापा आपके लिए कुछ लाना है क्या? और एक दो दोस्त को साथ भी लेकर आना। क्यों पापा? ताकि ना घर पे लोग भरे भरे दिखना चाहिए। ओके पापा ले आऊंगा। लेकिन पापा आप टेंशन में क्यों लग रहे हैं? अगर कोई प्रॉब्लम है तो बताइए। बेटा कुछ नहीं, तू जब आएगा ना घर पे तो सब बता दूंगा। नहीं पापा मुझे कुछ गड़बड़ लग रही है, बताओ ना प्लीज। मैंने बोला ना तुझे, तू घर आ जा। ठीक है पापा मैं आता हूँ।
डार्लिंग। अरे तो यहाँ क्या कर रहे हो? तुमसे मिलने आया हूँ, बहुत मन कर रहा था तुमसे मिलने का। अच्छा, मन कर रहा था। तुझे कहा था ना मैंने, मेरी बेटी का पीछा छोड़ दे तू, नहीं तो तेरी जुबान काट दूंगा। ये क्या कर दिया तूने? मैंने पापा को मार दिया। मैं तुझे छोड़ूंगा नहीं। तूने ही मेरे पापा को मारा ना? उन्होंने रात को ही फोन करके बता दिया था, पर मैं लेट हो गया। पुलिस अब आती ही होगी। मैंने उन्हें फोन करके बुलाया। रुक जाओ, क्या हो रहा है ये? ले जाइए इंस्पेक्टर साहब, इसने मेरे बाप का खून किया है। छोड़ो इसे, ले जाइए इसे। हवलदार, ले चलो इसे, चल।